पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब से एमपीए मोमिना वही साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। मोमिना साहिबा, मुझे पता चला कि आप परवेज इलाही साहब को इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी एतमाद का वोट नहीं दे रही। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहों में जो असल मुद्दा है, जो असल मेरा स्टांस है, वो कहीं दबकर रह गया है। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ का मतलब बगावत नहीं होता। जब कारकुन पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टी क्यादत जो है उसे पार्टी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। सबसे पहले ये बात कि इस पॉलिसी पे रिव्यू चाहिए, और मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग और भी हैं जो इख्तलाफ रखते हैं इस वोटिंग के अगेंस्ट, और बात ये है कि उनके कुछ स्टेक्स होंगे जो वो खामोश है। मेरा कोई स्टेक नहीं है, और अगर ये कहा जाए कि रिजर्व सीट है तोहफे में मिली थी, तो उस वक्त मुझे 11 साल हो गए थे दिन रात। अच्छा, मोमिना साहिबा, नहीं आपकी स्ट्रगल को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि इसका मतलब आपकी रिजर्वेशंस हैं पॉलिसीज के ऊपर तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, इसलिए आप वोट नहीं देंगे इत्मीनान का परवेज इलाही को? मैं चाहती हूँ हमारे चेयरमैन इस अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। हमारे पास इस वक्त भी बहुत अच्छी चॉइसेस मौजूद थी, काबिल फख्र नाम थे जब सुल्तान साहब को वजीर आला बना दिया गया, उसके बाद जब परवेज इलाही साहब, अब एक बार जब वो स्पीकर थे उनके खिलाफ अदम एतमाद थी, अभी वो सीएम है उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो इखलाकन उनको विकेट के तीनों जानब अगर खेलने के बाद भी उनको सिर्फ इमरान खान ही आखिरी सहारा नजर आ रहे हैं, तो वो इखलाकन खान साहब के पास चले गए और कहें कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये है मेरे 10 वोट और अब आप नॉमिनेट करें सीएम के लिए। ठीक है मोमिना साहब, लेकिन आप अगेन क्लियर टर्म्स बताइए, आप एतमाद का वोट नहीं देंगे इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी परवेज इलाही को? जी, मैं एतमाद का वोट मैं नहीं दे सकती। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इख्तलाफी राय रखना मेरा हक है। आपको आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऑफर तो नहीं हुई किसी किस्म के इंसेंटिव की? कोई बातचीत भी नहीं है, कोई राबता भी नहीं है। मुझे तो लोग सक्कर एयरपोर्ट से लैंड करा रहे हैं, और मैं लाइव लोकेशन भेजी थी 2-4 दिन पहले कुछ दोस्तों को, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। राइट, बहुत शुक्रिया मोमिना वही साहिबा, आप पीटीआई की स्पेशल सीट पे एमपी हैं और आप वोट नहीं देंगी एतमाद का परवेज इलाही साहब को।